लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अनौरा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय कुंज बिहारी यादव जो दाहिने पैर से विकलांग है। उक्त पीड़ित विकलांग का आरोप है कि मेरा बड़ा भाई इंद्रजीत यादव मेरे हिस्से की जमीन को 47,50,000 रुपये में बेचकर अपने खातों में डाल लिया है, जिसमें से मात्र बहन की शादी में 5 लाख रुपये खर्च किया है, जबकि अभी भी शेष 42 लाख रुपये 50,000 रुपये जबरन अपने पास रखा है तथा बताया कि 11 लाख रुपये 50,000 चेक द्वारा बैंक से प्राप्त कराया तथा 31 लाख रुपए पार्टियों से जमीन के एवज में कैश कराया है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम वीरेंद्र यादव। कहाँ रहते हैं आप? अनौरा गांव। अनौरा गांव में किसके पास रहते हैं आप? 3 बहन लगे। अच्छा, वो 3 भाई कौन कौन से हैं? जीतू, सुधीर, दद्दा। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? बुलाइए। ये आपके कौन से नंबर के भाई हैं? हमारे दद्दा हैं। आपके दद्दा हैं, आपसे बड़े हैं? अच्छा, और 2 लोग कहाँ हैं? बाहर। अच्छा, और क्या समस्या है आपकी? हमारे इंद्रजीत भाई हमारी जमीन बेच डाला है। अच्छा, हमसे कह रहे थे तो आपकी खत्म हमारे खत्म पैसा डाल दे भाई, हमारे खत्म पैसा नहीं रही, हमका मार के भगा दी। अच्छा, तब आपने ज़मीन बेची थी तो आपकी मर्जी से बेची गई ज़मीन? आपकी मर्ज़ी से बेची गई है कि ज़बरदस्ती बेची गई है? हमारी ज़बरदस्ती बेची गई। ज़बरदस्ती बेची गई है? क्या कहा था? हमने हमसे कह रहे थे तुम्हारे खाता में पैसा डाल देंगे, हमें खाता में पैसा नहीं डाला, हमको मार के भगा दिया। आपको मार के भगा दिया? ज़बरदस्ती साइन करवाए थे? क्या कह रहे थे आपसे? हम तो कह रहे थे रजिस्ट्री करो नहीं तो जान से मार देंगे। ठीक है, आप दोनों भाइयों को अपने बुलाइए। आपका नाम क्या है सर? जीतू यादव। क्या समस्या है इनकी? हमारे बड़े भाई हैं और इनका जमीन बड़े भाई ने बेच दी है इंद्रजीत यादव ने। अच्छा। और इसका पैसा नहीं दे रहे हैं, इसको घर से मार के भगा दिया गया है। अभी हमारे छोटे वाले बड़े वाले भाई पास रह रहे हैं। आप लोग कितने भाई हैं? हम 5 भाई। 5 भाई हैं। ये कौन से नंबर के भाई ने ये इनकी जमीन बिकवाई है? फर्स्ट नंबर वाले जो भाई हमारे सबसे बड़े वाले भाई जी, उन्होंने जमीन बेची है इनके हिस्से की, सारा पैसा भी रख लिया है और इनको कुछ दिया भी नहीं है। इनके अकाउंट में डालने के लिए बोला था, वो भी कुछ नहीं डाला है। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं डाल देंगे, आज डाल देंगे, कल डाल देंगे, ये बहुत परेशान है। अच्छा, ये किस नंबर के भाई हैं? ये हमारे तीसरे नंबर के भाई, और इनकी मैरिज हुई है? अभी इनकी मैरिज नहीं हुई। इनकी मैरिज नहीं हुई, ठीक है। और आप सर? हमारा 1 लाख रुपए पड़ा है बड़े भाई के पास घर बनवाने के लिए, दिया। अच्छा, तो आपके बड़े भाई ने आपसे भी रुपए ले रखा है? 1 लाख मतलब चेक द्वारा लिया। चेक द्वारा लिया है, वेरी फाइन। आपके पास चेक होगी? हाँ, चेक है मेरे पास। कहाँ होगी चेक? हमने उनको दी है। आपके पास चेक नंबर होगा ना? हाँ, चेक बुक के पीछे लिखा जाता है जब आप किसी को चेक काट करके देते हैं। वो है मेरे पास। वो है, ठीक है, वेरी गुड। तो आप ये बताइए, आप थाने गए थे? जी। वहाँ एसओ ने क्या कहा आपसे? एसओ कह रहा था इंद्रजीत से दिलवा देंगे पैसा। इंद्रजीत कह रहे हैं बाहर आके तुमका माल डालेंगे। अच्छा, बाहर आके धमकी दे रहे हैं? तो आपने दोबारा आपसे बोला कि धमकी दे रहे हैं, आपने दोबारा थाने में शिकायत की हमारे बड़े भाई हमको धमकी दे रहे हैं? चौकी पर गए रहा। चौकी पर गए थे, तो वहाँ पर क्या बोला? दरोगा साहब कह रहे हैं एप्लीकेशन का हमें दिया है, हम कह रहे हमारे बड़े भाई जमीन बेच डाला है।